us in here. All right. Up. Cheers. Thank you. ये डला है जी 69 पाउंड का 45 लीटर। फ्रांस की इमिग्रेशन से भी गुजरना है और फिर उसके बाद कस्टम वालों से भी। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम लंदन। ले जी यहाँ पे सुबह के 8 बज चुके हैं और अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। दुआ मैंने पढ़ ली है और यहाँ से निकलते हैं फ्रांस और फिर फ्रांस के बाद जाते हैं बेल्जियम और यहाँ से जो फेरी मिलेगी वो मिलेगी डोवर से और डोवर का रास्ता है तकरीबन 75 to 80 माइल्स फ्रॉम ईस्ट लंदन और ये तकरीबन होगा 1.5 आवर का तकरीबन। तो यहाँ से चलते हैं ईस्ट लंदन से डोवर और फिर उससे आगे चलते हैं फ्रांस एंड देन बेल्जियम। मैंने जो टिकट ली है वो ली है P&O फेरीज की और ये मुझे कॉस्ट की है 67 पाउंड्स की और ये है वन वे ओनली फ्रॉम डोवर टू कैले और रिटर्न इसमें अभी शामिल नहीं है। P&O के अलावा ना DFDS और आयरिश फेरीज भी ऑपरेट करते हैं। मेनली ये तीन कंपनीज करती हैं लेकिन अगर आपने कंपेयर करना है तो आप डायरेक्ट फेरीज में भी जा सकते हैं। डायरेक्ट फेरीज आपको तीनों की प्राइसेस बता देगी कौन सी चीपर है या कौन सी नहीं चीपर। लेकिन जो मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा वो ये करूँगा कि अगर आपने P&O से लेनी तो डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पर जाएँ, अगर DFDS से लेनी है तो उनकी वेबसाइट पर जाएँ और अगर आयरिश फेरीज से लेनी तो उनकी वेबसाइट पर जाएँ। ये आ गया जी पेट्रोल पम्प और इससे डलवाते हैं हम पेट्रोल आगे जाने के लिए। नहीं ये पेट्रोल डालते हैं और यहाँ पे रेट है जी 153.9। ये करते हैं फुल पेट्रोल, फुल टंकी करते हैं। कल मैंने जान के इसलिए नहीं डलवाया, मैंने कहा कि ना पता करते हैं कि लाहौर तक टोटल कितने लीटर जाता है और कितने का ख़र्चा आता है। तो इसकी टंकी करते हैं फुल और पूरा ऑल द वे लाहौर में चेक करूंगा कि कितने का पेट्रोल लगा है और कितने लीटर हुआ है। और जाई जा रही है, मेरा ख्याल है कि 50 लीटर तक पेट्रोल आएगा। ये डला है जी 69 पाउंड का 45 लीटर। ये शो कर रहा है यहाँ से डोवर 1 आवर रफली 14 मिनट्स और 8:11 हो गए हैं। मेरी फेरी है 10 बजे तो इंशाल्लाह 9:30 बजे वहाँ अगर मैं पहुँच जाऊँ तो काफ़ी सेफ होगा। P&O जो है ना वो तीन किस्म की टिकट्स इशू करते हैं, एक स्टैंडर्ड फ्लैक्सी और फुली फ्लैक्सी। स्टैंडर्ड को आप चेंज नहीं कर सकते, ना टाइमिंग ना रिफ़ंड। फुली फ्लैक्सी जो है वो टाइमिंग भी आप चेंज कर सकते हैं और रिफ़ंडेबल भी होती है। तो मैंने करवाई ये स्टैंडर्ड, सो अगर ये मिस हो गई तो फिर मिस हो गई। ये हम पहुंच गए जी डार्टफोर्ड के ब्रिज पे और इंशाल्लाह यहाँ से आगे लगेगा 1 आवर डोवर पे। और जी इर्द गिर्द देखें, ये कितना ही प्यारा खूबसूरत ऑटम के लीव्स हुए हुए हैं ऑरेंज कलर के, बहुत ही खूबसूरत। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। It could cost you £2.29 a day in the EU, okay? And you can use your phone as normal. Right. But 16 times 229 comes in at 36.64. Yeah. We do have a roaming pass for £25 that you can have on there for a month, a 30-day subscription. इस रूट पे ना समर्स में तकरीबन 30 से 45 फेरीज जाती हैं एवरी डे वन साइड, तीनों को मिला के।
आगे समुंदर नज़र आ रहा है सी, और मेरा ख्याल है कि वो फेरी खड़ी है जिस पे जाना है 10 बजे। इस वक्त 9:27 हो गए हैं। टेंशन बहुत है कि भाई बस टाइम पे मैं पहुंच जाऊं, और ये दिखा रहा है 1.3 माइल्स। होपफुली इंशाल्लाह, क्योंकि उनका रूल है कि जी आपने हाफ एन आवर पहले आना है, तो बस पहुंचने ही वाले हैं। मेरा ना दूसरा कैमरा कनेक्ट नहीं है, उसको कनेक्ट कर लूँ मैं। नहीं जी, कैमरा हो गया कनेक्ट और डोवर पे हम पहुंच गए हैं, और बस टेंशन है कि फेरी ना निकल जाए। अगर आपने क्यू को जंप करना है ना, तो आप प्रायोरिटी बुकिंग भी करवा सकते हैं, जो कि है £12 ईच साइड। और कोशिश करें कि PN ऑफ पाइनियर लें या PN लिबर्टी लें, ये दोनों एडिशन हुई हैं न्यू फ्लीट के अंदर, अभी रिसेंटली ऐड किए हैं इन्होंने। ये जी मेरी राइट साइड पे PN ऑफ फेरी नज़र आ रही है। इनके जो ओल्ड वाली है ना कैरियर, स्पिरिट ऑफ फ्रांस और स्पिरिट ऑफ ब्रिटेन, वो भी कोई बुरी नहीं है, अच्छी हैं। लेकिन जो नई वाली हैं ज़रा, वो ज़्यादा उनमें ज़्यादा डेकोरेशन भी हुई हुई है, वुड का काम भी ज़्यादा हुआ है, तो वो इसलिए मैं उसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। आगे ये बोर्ड नजर आ रहा है जी कार्स का, मेरा जी ख्याल यही है। अभी जी मैंने फ्रांस की इमिग्रेशन से भी गुजरना है, और फिर उसके बाद कस्टम वालों से भी। यूके कस्टम वाले यहाँ पे बिल्कुल कोई भी नहीं बैठा हुआ, और कोई चेकिंग नहीं हुई। और पीछे जो था वो था इमिग्रेशन फ्रांस की, जिन्होंने मेरे पासपोर्ट को स्टैम्प कर दिया है। उनकी इमिग्रेशन इधर इंग्लैंड में ही होती है, क्योंकि जब फेरी के बाद तो आपने आप उधर इमिग्रेशन नहीं होती, आपने सिर्फ उतरना होता है फेरी के बाद। तो इमिग्रेशन जो फ्रांस की है वो इंग्लैंड में ही होती है डोवर पे, पहले ये पासपोर्ट के ऊपर स्टैम्प कर देते हैं। और अब आ रहा है जी सिक्योरिटी चेक, इन्होंने चेक करना है कि मैं कोई बम शम तो नहीं लेके जा रहा फ्रांस में। चलते हैं। हेलो, ऑफ या शो। Okay. Yeah. Oh. Let me run. No.
right, thank you. I'll go turn left. Thank you. And enjoy. Thank you. बड़े हैरान हुए हैं वो सुन के कि आप लाहौर जा रहे हो। पहली हैरानगी मैंने देख ली है इधर इंग्लैंड में। मैं तो खुद भी हैरान हूँ। ऐसे लेट मैं हो गया हूँ, उम्मीद है कि मुझे जाने देंगे। 15 मिनट रह गए हैं। जाना है जी 206 और ये है 206। 206 तो मेरी बाइक का नंबर भी था। 125 जितनी भी गाड़ियाँ शाड़ियाँ थी सब चली जा चुकी हैं और हम आखिरी हैं जाने के लिए। कोई भी लाइन नहीं लगी हुई। ये आखिरी ट्रक और ये गाड़ियाँ जा रही हैं। यहाँ लगा रहे चीजें सीख रहे हैं इससे इससे। Stop when I tell you to stop, yeah? Okay. Because I'm passing here. All right. Up. Cheers. Thank you. बाय बाय इंग्लैंड। इंशाल्लाह 1-1.5 महीने बाद फिर दोबारा मिलते हैं। और वो देखें वो पीओ की और भी फेरी जा रही हैं और हमें कोई चले हुए 1.25 घंटा हुआ है। 1:30 का टोटल जो है ये डोवर से फ्रांस का है। और छोटा सा टूर लेते हैं हम इस फेरी का। ये मैं बाहर आया हुआ था डेक के ऊपर और अब जो है आपको छोटा सा टूर कराते हैं 5 मिनट्स का। ये सिटिंग एरिया है। ये यहाँ पे टॉयलेट्स हैं।
और ये यहाँ पे मनी चेंजर। ये मेरा ख्याल है कि ड्यूटी फ्री शॉप है। ये भी इनका सिटिंग एरिया है और ये जो उस साइड पे अब ये फ्रांस नज़र आएगा, ये स्पिरिट ऑफ ब्रिटेन है, ये वाला जो फेरी है स्पिरिट ऑफ ब्रिटेन है, यहाँ पे वो आगे फ्रांस की साइड पे जा रहे हैं। ये यहाँ पर सैंडविचेस वगैरह सर्व हो रहे हैं, ड्रिंक्स वगैरह हैं, इसी तरह मुख्तलिफ। ड्रिंक्स वगैरह हो गए, मफिन्स हो गए, इस तरह ही दो तरीके हैं ये समुंदर पार करने के, सी क्रॉस करने के। एक तो फेरी है जो कि ये मैं कर रहा हूँ, दूसरा डोवर से 15 मिनट पहले फोकस्टोन आता है, वहाँ से आप गाड़ी ट्रेन में रख देते हैं और ट्रेन समुंदर के नीचे से जाती है और वो हमें फ्रांस पहुँचा देती है। वो लगते हैं तकरीबन 30 मिनट्स, वो फास्टेस्ट है, इसमें 1.5 घंटा लगता है। जाते हैं ऊपर, यहाँ पे भी फूड मार्केट है जैसे नीचे कैफे था। कॉफी वेंडिंग मशीन्स। ये जो आपको आगे नजर आ रहा है ना, वो फ्रांस है। ये जी इन्होंने पेट्स का भी बनाया हुआ है, ये पेट्स का एरिया है, अगर कोई अपने साथ डॉग वगैरह लेके आता है तो उसके भी सफाई सुथराई का इंतज़ाम है। उसको एक कितना प्यारा सा घर भी दिया हुआ। तकरीबन जी कोई आधा घंटा रह गया है, फ्रांस पहुंचने लगे हैं डोवर से, और ये 1 आवर 35 मिनट्स की जर्नी होता है। और बारिश स्टार्ट हो गई है, आज बड़ा क्लाउडी डे है और फेरी भी ना थोड़ी थोड़ी ऐसी ऐसी हो रही है, ज़्यादा नहीं लेकिन महसूस हो रहा है। और इंशाल्लाह अभी आधे घंटे तक फ्रांस पहुंच जाएंगे, फिर उधर जाके बेल्जियम की तरफ निकलते हैं। पेरिस नहीं जाना, बेल्जियम चलते हैं, और मेरा इरादा तो है ब्रूश तक जाने का बेल्जियम। ले जी कैले पहुंच गए हैं और अब गाड़ी में बैठते हैं फिर आगे चलते हैं। मैंने चेक किया यहाँ से ब्रूश जो है ना वो तकरीबन 1.5 घंटे का है, 1.5 घंटे की ड्राइव है। ये अपनी शहजादी खड़ी है। ये जी यहाँ से ब्रूश दिखा रहा है 1 आवर 17 मिनट्स, और नेविगेटर में डाल दिए, अब निकलते हैं यहाँ से।
लोकल टाइम यहाँ पे है 12:51, लेकिन अभी मेरी जो घड़ियाँ हैं सारों पे ही इंग्लैंड का टाइम आ रहा है, क्योंकि फ्रांस जो है वो एक घंटा आगे है इंग्लैंड से। तो बाय बाय। और चल भी शाबाश। अच्छा, ड्राइविंग दूसरे हाथ पे करनी है, रिमेम्बर। भाई बड़ा ध्यान से, 10-15 मिनट मुझे लगेंगे सेट होने में, क्योंकि जो अब सारा सिस्टम ही उल्टा चलेगा। ये यहां से जाना है, गाड़ियों का इधर से है, ट्रक्स का उस साइड पे था। याद रखना भाई, राउंड अबाउट आपने राइट से जाना है, लेफ्ट से नहीं जाना। आधा एक घंटा तो लगेगा ज़रा सेट होने में। और वेलकम टू कैले फ्रांस।